बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अल कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर ख़िदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने अहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी और माशरती मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होते हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है जनाब अहमद बिलाल अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन के ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा होगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवालात भेज सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब से कि अमानत साहब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का ज़िक्र किया था और ये भी बताया था कि आइंदा हम 20वें पारे का आगाज़ करेंगे। यहाँ पे एक अहम बात बयान करता चलूँ जो आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनेगी, वो ये है कि कुरान मजीद 30 पारों में तकसीम किया गया है और ये तकसीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में या सहाबा के ज़माने में नहीं थी, ये बहुत बाद में तकसीम की गई। और ये तकसीम दरहकीकत मुसलमानों की सहूलत के लिए की गई, क्योंकि अगर एक पारा रोज़ाना पढ़ा जाए तो 30 दिनों में यानी एक महीने में कुरान मजीद मुकम्मल होता है। अगरचे इस तकसीम के हवाले से हम देखते हैं कि कई मकामात पर हमें ये नज़र आता है कि कुरान मजीद का एक अहम हिस्सा वो पहले पारे में रह जाता है और दूसरा हिस्सा उससे अगले पारे में आ जाता है, तो कहीं कहीं ये तकसीम कुछ अजीब सी महसूस होती है, लेकिन बहरहाल ये एक इंसानी तकसीम है और इसका मकसद फ़कत ये है कि अगर हम रोज़ाना एक पारे को पढ़ते हैं तो महीने में हम कुरान मजीद को मुकम्मल कर लेते हैं। इसी तरह कुरान मजीद में जो रुकू बनाए गए हैं तो रुकू का मकसद भी यही है कि अगर हम तरावी में हर रकात में एक रुकू पढ़ते हैं तो रमज़ान में हमारा कुरान मुकम्मल हो जाता है। तो अब आइए 20वें पारे का आगाज़ कि जो सूरतुन नमल का हिस्सा है, अल्लाह सुबहान व तआला ने यहाँ पे जो उसलूब और जो अंदाज़ इख्तियार किया है ये उसलूब दरहकीकत जजर का है, डांटने का है, तंबीह का है और इतमाम हुज्जत का है। इसलिए कि इससे पहले अल्लाह सुबहान व तआला ने पैगम्बरान जो खुदा के पैगम्बर हैं, अम्बिया रसूल हैं, उनका ज़िक्र अल्लाह ने तफसील के साथ किया है जिन पर हम बात कर चुके। अब उसके बाद आखरत का जो इनकार या इनकार कह लीजिए या उसके बारे में जो मक्का वाले शक में मुब्तला थे और उनको इस बात की समझ नहीं थी कि आया कि हम आखरत को माने या ना माने, आखरत को वैसे वो मानते थे लेकिन जो पैगंबरान खुदा जिस तरीके से उनको बताते और कहते उस तरीके से वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो ये चाहते थे कि दुनिया में हम अपनी मर्ज़ी करें और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और फिर आखरत में भी हमारे साथ अच्छा सलूक हो, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ये बात समझाते थे कि आखरत कायम होगी और उस आखरत का मकसद ये होगा कि दुनिया में जो तुम्हारा किरदार होगा, तुम्हारे आमाल होंगे, उसके मुताबिक आखरत में तुम्हारे साथ मामला किया जाएगा। तो ये जो कन्फ्यूजन थी कुरान मजीद ने इसको इस मकाम पर बयान किया है। अब देखिए कि आखरत में किस हस्ती का कंट्रोल होगा और कौन सी हस्ती होगी कि जिसके हाथ में आखरत का पूरा मुकम्मल निज़ाम होगा, वो वही हस्ती है कि जो इस दुनिया को और इस कायनात को कायम करने वाली है, अल्लाह सुबहान व तआला की ज़ात। अब फरमाया कि अम्मन खलक समावाति वल अर्दा, के भला वो कौन है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। वअन्ज़ला लकुम मिनस समाई माअन, और तुम्हारे लिए आसमान से पानी उतारा। फअम्बतना बिही हदाइक ज़ाता बहजा, और फिर हमने उससे रौनक वाले बाग उगाए, यानी ज़ाता बहजा से मुराद यानी घने बाग। अल्लाह फरमाता है फिर हमने उस पानी से उगाए। मा कान लकुम अन तुम्बितु शजरहा, कि तुम्हारे बस में नहीं था कि तुम इन दरख्तों को उगा सकते। अइलाहुम्मा अल्लाह, क्या कोई और माबूद है अल्लाह के साथ। बल हम कौम या दिलून, बल्कि ये लोग इन्हराफ करते हैं।
अब यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुबहान व तआला ने जिक्र किया कि आसमानों से अल्लाह ताला पानी को नाजिल करता है और फिर उस पानी के ज़रिए से अल्लाह ताला घने बागात को पैदा करता है और फिर इंसान से कहा कि बताओ कि भला तुम ये काम कर सकते हो, यानी दरख्तों को उगाने का, बागात को आबाद करने का, फलों को पैदा करने का, फूलों को पैदा करने का, ये तुम नहीं कर सकते, ये अल्लाह सुबहान व तआला के ही दस्ते कुदरत में है। और लेकिन इसके बावजूद भी लोग क्या करते हैं, इन्हराफ़ करते हैं। आगे फरमाया कि अम्मन जाअल अल अर्दा करारम वजअला खिलालहा नहारा वजअला लहा रवासिया, कि भला किसने ज़मीन को ठहरने के लायक बनाया, कहीं पर मुस्तकर भी फरमाया और मुस्तौदा भी फरमाया, यानी आरजी ठिकाना भी, और यही ज़मीन है कि जहाँ पर इंसान के जिस्म को बतौर अमानत के दफन कर दिया जाता है, तो उसके लिए मुस्तौदा भी फरमाया। रुमाया के भला किसने ज़मीन को ठहरने के लायक बनाया और इसके दरमियान नदियाँ भी जारी कर दी और उसके लिए उसने पहाड़ बनाए, और फिर फरमाया वजह अला बैनल बहरीन हाजिज़ा, और दो समंदरों के दरमियान पर्दा डाल दिया। अल्लाहुम्मा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है, बल अक्सरहुम ला यालमून, बल्कि इनमें से अक्सर लोग नहीं जानते। ये जो बहरीन का फरमाया, यानी अल्लाह सुबहान व तआला ने इसी ज़मीन पर दरिया में समंदर में दो किस्म के पानी, यानी इस तरह के वाजे तौर पर उनमें एक फ़र्क नज़र आता है और दरमियान में कोई ऐसी दीवार खड़ी हुई नज़र नहीं आती कि हम ये कहें कि एक तरफ मीठा पानी एक तरफ खारा पानी है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं लेकिन आपस में मिक्सअप भी नहीं होते। अब इसके बाद फरमाया कि अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा, यानी तुम्हारे जो शुरका हैं कि जिनको तुमने अपना माबूद बनाया हुआ है, क्या इनमें से कोई इबादत के लायक है, तो फरमाया कि या वो इबादत के लायक है, कौन कि अम्मन युजीबुल मुत्तर्रा, कौन है जो बेबस के पुकार को सुनता है, इज़ादाहू, और जब वो उसको अल्लाह को पुकारता है, यानी बेबस इंसान, तो उसकी पुकार को अल्लाह सुनता है, वयक्शिफुस्सुआ, और फिर उसके दुख को दूर भी कर देता है, वयजअलकुम खुलफा अल-अर्द, और फिर वो तुमको ज़मीन में जानशीन भी बनाता है। अइलाहुमा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई माबूद है, क़लील अम्मा तज़क्करून, फरमाया बहुत कम लोग हैं जो नसीहत हासिल करते हैं। अब इसके बाद फरमाया अम्मन यहदीकुम फ़ी ज़ुलुमातिल बर्रि वल बहर, यानी कि क्या तुम्हारी जो देवियाँ हैं देवता हैं ये इबादत के लायक हैं, नहीं। फरमाया कि कौन है जो तुमको खुश्की और समंदर के अंधेरों में रास्ता दिखाता है, खुश्की और समंदर के अंधेरों में रास्ता दिखाता है, वो मन युरसिलु रियाहा बुशरम बैन यदई रहमतिही, और कौन अपनी रहमत के आगे हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है, यानी जब बारिश कहीं बरसनी होती है, बादल आते हैं तो पहले हवा आती है, तो हवा गोया के खुशखबरी लेकर आती है कि अब यहाँ पर बारिश होने वाली है। तो फरमाया कि अइलाहुमा अल्लाह, क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद है, तआलल्लाहु अम्मा युशरिकून, अल्लाह ताला बुलंद है उससे जो ये शिर्क करते हैं। फरमाया कि अम्मन यब्दाउल खल्का सुम्मा युईदुहु, कौन है जो खल्क की इब्तदा करता है, सुम्मा युईदुहु, और फिर उसका इआदा भी करता है, यानी तख्लीक भी करता है और फिर उसको लौटाता भी है, जैसे कुरान पाक ने कहा कि मिन्हा खलकनाकुम वफ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि यही ज़मीन है कि इसी से हम तुमको पैदा करते हैं और इसी में हम तुम्हें लौटा देते हैं और फिर इसी से भी हम दूसरी मरतबा फिर तुम लोगों को उठाएँगे। तो यहाँ पर इसी बात को बयान फरमाया कि कौन है जो खल्क की इब्तदा करता है और फिर लौटाता है, व मन यरज़ुकुकुम मिनस्समाई वल अर्द, और कौन है जो तुम्हें रिस्क देता है आसमान से और ज़मीन से, अइलाहुमा अल्लाह, क्या कोई माबूद है अल्लाह के साथ, कुल हातू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, और फिर फरमाया कि कह दीजिए कि लाओ अपनी दलील को अपने बुरहान को, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, यानी जो कुछ भी इन आयात में बयान किया गया है और तुम्हें चैलेंज भी किया गया, तुम्हें इत्माम हुज्जत के तौर पर सब कुछ बता दिया गया, जजर तौबीक की गई, तंबीह की गई, तुम्हें खबरदार किया गया, अगर इसके मुखालिफ में और इसके रद्द में तुम्हारे पास कोई दलाइल हैं या जो तुम अपने दावा करते हो दावे करते हो तो उसके हक में तुम्हारे पास दलाइल हैं तो अपने दलाइल लाओ अगर तुम सच्चे हो तो। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाजरीन। अमाना साहब बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे और मुदल्लल अंदाज में आपने कुरान करीम की इन आयात का मंशा बयान किया। कुछ सवाल थे इन्हीं आयात से मुतालिक। सबसे पहले तो एक सवाल जो एक आम जो नौजवान है उसके जहन में, ख़ास तौर पे आज के दौर का जो नौजवान है उसके जहन में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार इन आयात के अंदर बयान किया है कि कौन है जिसने तुम्हें तख्लीक किया, कौन है जिसने आसमान से बारिश पानी नाजिल किया फिर उसमें से बागात उगाए। तो कहा यह जाता है कि ये खुदा है, यानी कुरान पाक इस चीज़ को बयान करता है ये खुदा है, खुदा के सिवा कोई हस्ती नहीं। सवाल एक नौजवान के जहन में ये आता है कि कायनात को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया है तो फिर खुदा को किसने बनाया है, यानी ये एक सवाल है जो आमतौर पर बहुत ज़्यादा हमारी सोशल मीडिया के ऊपर पूछा जाता है कि खुदा को किसने बनाया है, जब हर चीज़ को खुदा ने बनाया है तो खुदा को बनाने वाला कौन है। देखिए पहली बात इन आयात पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं, इसमें एक जो सवाल है उसका जवाब दिया गया है। जी अब देखिए कि अल्लाह सुबहान व तआला ने एक एक चीज़ को बयान किया जिसको तख्लीक किया गया, तो सवाल ये किया गया कि आखिर ये जो कुछ भी बनाए तो इसका कोई खालिक तो होगा, बिल्कुल सही, तो इसका खालिक कौन है। तो वाज़े बात है कि जो चीज़ मौजूद होती है उसको वजूद में लाने वाला कोई ना कोई होता है, बिल्कुल सही। तो लिहाजा यहाँ पर ख़ुद ब खुद इस बात का जवाब दे दिया गया कि आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया, वाज़े बात है कि अल्लाह की ज़ात ने पैदा किया। और ये बात याद रखनी चाहिए कि अल्लाह सुबहान व तआला खालिक है ज़मानो मकान का, जिसे हम टाइम एंड स्पेस जिसे हम कहते हैं, और हमेशा जो खालिक होता है वो मखलूक से बाहर ही होता है, साने मसनू से बाहर होता है। तो अल्लाह सुबहान व तआला की ज़ात पर ये सवाल बनता ही नहीं है कि उसको बनाने वाला कौन है, इसलिए कि सवाल ये तब बनता है कि जब एक चीज़ मौजूद होती है, सामने होती है, और जिसे हम कहते हैं कि उसके वजूद से फिर ये सवाल उठता है कि इसको बनाने वाला कोई है या नहीं है। तो फ़िलहाल रब्बे ज़ुल जलाल की जो ज़ात है वो हम उसको पहचानते हैं अलामात से, निशानियों से, और उस इल्म से जो ज़राए अल्लाह ताला ने हमें मुहैया किए हैं। और कुरान मजीद का यहाँ पर भी आप उसलूब देखें ना कि कॉमन सेंस को ही कुरान पाक मुखातिब करता है, इंसानी अकल को मुखातिब करता है कि हम जिस तरीके से एतबार करते हैं, एतमाद करते हैं, यकीन करते हैं और हमेशा मानते हैं, उन्हीं ज़राए को ही कुरान पाक ने इस्तेमाल किया खुदा की ज़ात के लिए। तो लिहाजा ये जो सवाल बनता है ये तब ही इसका जवाब होगा कि जब हम खुदा की बारगाह में जाएंगे और उससे मुलाकात होगी तो फिर इस पर वहाँ पर सही बात होगी। बिल्कुल ठीक है, खुदा से मुलाकात का भी आपने जिक्र कर दिया, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। अच्छा अमान साहब आगे एक सवाल ये कि जो एक ऐसा इंसान जो नॉन मुस्लिम है या आप कह लें कि जो अभी तहकीक कर रहा है, एक तशकीकी जहन है उसका, वो ये समझता है कि इंसान, दरख्त और ये जो मुजाहरे कुदरत हैं ये एक प्रोसेस के तहत बने हैं ना। मिसाल के तौर पर दरख्त आप लगाते हैं, बीज लगाते हैं, उसका एक प्रोसेस है, पानी देंगे, हवा और रोशनी उसको मिलेगी, फिर एक टाइम पीरियड के बाद वो बड़ा होगा, फिर एक प्रोसेस उसका पूरा होगा। इसी तरीके से दिन रात के आने जाने का प्रोसेस है, बारिश का पूरा प्रोसेस है कि जब तक बादलों का वो एक पूरा जो साइंस जिसको कहती है वो मामला नहीं होता उस वक्त तक बारिश नहीं होती जितना भी हम उस पर कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक सवाल किया जाता है कि ये तो एक प्रोसेस के तहत है तो इसमें खुदा का क्या अमल दखल है? आप दरख्त नहीं लगाएंगे तो वो नहीं रुकेगा, अगर आप लगाएंगे तो वो उगेगा, तो इसमें खुदा का क्या अमल दखल है? तो एक प्रोसेस है पूरा। देखिए कुरान पाक ने बड़ा अच्छा यहाँ पर जवाब दिया जो अभी हमने पढ़ा दर्स में कि मा कान लकुम मन तुम भी तू शाजा रहा, कि ये तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम इनको उगा दरख्त को उगा सको। तो मामला कैसे का नहीं है, साइंस हमेशा जो मादा मौजूद है उस पर तहकीक करती है, उसको दरियाफ्त करती है, तो सारा जो जोर है, सारी जो तवज्जो है साइंस की वो मादे पर है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल मज़हब जिस सवाल का जवाब देता है वो ये है क्यों, कि ये कैसे के बजाय क्यों वजूद में आए और इसका खालिक कौन है, इसको बनाने वाला कौन है, असल ये सवाल होता है। यानी आप किसी भी चीज़ को ले लेंगे तो सवाल फिर उसी जगह पर ही खड़ा रहेगा। यानी आप अगर ये कहेंगे कि दरख्त कैसे बन गया, आपने इसका जवाब तो दे दिया, लेकिन फिर सवाल ये बनेगा कि ये कैसे जो आपने ग्रीडियंट्स या अनासर जो आपने बयान किए हैं इन अनासर को फिर पैदा करने वाला कौन होता है। सवाल इंतहा पे जाकर आखिर में जाकर खड़ा फिर उसी खालिक पर ही खड़ा हो जाता है, और वो मानना हर सूरत में इंसान के लिए लाजिम हो जाता है कि कोई ना कोई
बनाने वाला, तख्लीक करने वाला है कि जिसकी बुनियाद पर ये वजूद में आए, और फिर इसको जैसे हम ये कहते हैं ना कि एक चीज़ किसी सबब से वजूद में आती है और फिर वो आखिर तक जब आप जाएंगे तो उस सबब को आप ख़त्म करेंगे या वो सबब नहीं होगा, तो तब ही जाकर ये जो दौर जिसको एक कहते हैं एक तसलसल, ये जाकर फिर आखिर में जाकर रुकेगा। वरना ये जो होता है ये बिल्कुल ही महाल है कि इस तरीके से हम कहें कि इसको इसने बनाया, इसको इसने बनाया, तो फिर जाकर आखिर में फिर सवाल ये उठेगा कि आखिर में था कौन इल्लत उला, कि जो बनाने वाली और तख्लीक करने वाली वो ज़ात है, वो फिर खुदा की ज़ात पर ही जाकर बात ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। हम सवालात कर रहे हैं कि जो नौजवानों के जहन के अंदर चीज़ें आती हैं। अच्छा, इन्हीं आयात के अंदर मुस्तौदा ज़मीन को एक करार, यानी उसको ठहराओ, रहने की जगह, रहने की जगह उसको बनाया गया, तो इससे एक तो ये बताइएगा कि इससे क्या मुराद है, दूसरा ये कि अगर कल को साइंसदान यानी आगे रिसर्च हो जाती है, कोई तहकीक इस पर मज़ीद हो जाती है और किसी और सियारे के ऊपर ज़िंदगी का वजूद हो जाता है, साइंसदान इसमें कामयाब हो जाते हैं कि किसी और सियारे के ऊपर ज़िंदगी का वजूद अब है, तो क्या फिर भी ज़मीन को ही हम मुस्तौदा कहेंगे या फिर वो दोनों सियारे मुस्तौदा या करार बैंड? देखिए, पहली बात तो ये कि वो तो मुस्तकबिल का मामला है जी, लेकिन कुरान पाक ने फ़िलहाल जो मुखातब किया वो इंसान को मुखातब किया, जो इस ज़मीन पर रहने वाला है उसको कुरान पाक ने मुखातब करके, और ज़मीन को दरहकीकत अल्लाह ने अपनी निशानियों में से एक निशानी बताई, और इन तमाम मखलूकात को बयान करने का मकसद ये होता है कि इंसान कभी इस बात को ना भूले कि वो ज़ात के जो आसमान को, ज़मीन को तख्लीक करने वाली है, जो पहाड़ों को पैदा करने वाली है और जो इतनी बड़ी कायनात की खालिक है, वो ज़ात कहीं पर मजबूर महज नहीं हो सकती कि वो कल इंसान को कब्रों से ना उठा सके या आखरत को बरपा ना कर सके। ये दरहकीकत जितने भी दलाइल दिए जाते हैं और जो बयान किए जाते हैं, ये इंसान को इस तरफ मुतवज्जे करने के लिए बयान किए जाते हैं कि अल्लाह सुबहानहु तआला की ज़ात जो इनको पैदा करने वाली है वो क़यामत भी बरपा करने वाली है। तो लिहाजा वो जो ज़मीन को अल्लाह ताला ने बयान किया, एक और मकाम पर इस अंदाज़ से भी बयान किया कि ये ज़मीन को करार और ठहराओ वाला कर दिया कि ये तुम्हें लेकर डोलती नहीं है, ज़मीन इधर उधर नहीं होती, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। यानी इंसान जिस चीज़ का मुशाहिदा करता है, तजर्बा करता है, कुरान उसी चीज़ को, उसी हकीकत को बयान करता है। ये भी अल्लाह सुबहानहु तआला की ज़ात पर एक बहुत बड़ी दलील भी है, और ख़ुदा का जो दीन है उसके हक होने पर भी ये बहुत बड़ी दलील है कि जो इंसान मुशाहिदा करता है, ऐसा नहीं है कि कुरान जो बयान करे वो बिल्कुल ही इंसान के मुशाहिदे के ख़िलाफ़ हो। यानी ज़मीन को इस माना में फिर करार कहा गया कि सुकून की जगह है और ठहरी हुई जगह है। ठीक। अच्छा माने साहब, एक बात आपने जब आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया था तो उस वक्त आपने बयान की कि जो कुरान करीम के पारे हैं, जो पारे बने हुए हैं 30, उसको सहूलत के लिए बनाया गया है ताकि इंसान 30 दिन के अंदर अपना कुरान करीम की तकमील कर सके। सवाल बुनियादी तौर पर मेरा ये है कि जो आयात हैं या जो सूरतें हैं उनको भी फिर इसी चीज़ को, इसी फ़ायदे को सामने रख के बनाया गया है, आप प्लीज़ इस पर भी देखिए। कुछ चीज़ें जो उनसी है ना, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ही फ़ाइनल फरमा दी, ठीक, उनको बता दिया। जैसे सूरतें हैं उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ही नाम भी दिए और तय करके सारा कुछ दिया, ठीक। तो ये बाद में फिर ये रुकू वगैरह और ये 30 पारे वजूद में आए, और इससे कोई कुरान पाक की हिफाजत पर कोई ऐसा मामला भी नहीं है। ये इंसान अपनी सहूलत के साथ जैसे इराब लगा लिए ताकि जैसे कुरान मजीद अरबियों से अजमी तक गया तो उनको लिए, उनके लिए बड़ी मुश्किल पेश आनी थी कि भाई वो कैसे बग़ैर इराब के कुरान मजीद को पढ़ें, उसकी तिलावत करें, तो उनके लिए आसानी पैदा कर दी गई। ये ऐसे ही आप देखिए कि मदारिस में जैसे हम पढ़ते थे तो एराब नहीं होते थे तो कितनी मुश्किल हमें पेश आती थी, फिर हमें समझना होता था कि यहाँ पर मुब्तदा, खबर, फ़ाइल, मफूल, हाल, जुलहाल, कितने यानी कि मरफूआत, मंसूबात, मजरूरात, वो सब कुछ हम पढ़ते थे तो समझने के लिए। लेकिन कुरान मजीद पर जब एराब लग गए तो एक आम आदमी भी बड़ी सहूलत के साथ सीख कर समझ कर कुरान की तिलावत कर सकता है। तो अगर इस अंदाज़ से कुरान की खिदमत की गई है लोगों की आसानी के लिए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। चंद चीज़ें ऐसी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय फरमा दी थी, जैसे सूरतें हैं, आयात के बारे में भी ये बयान किया जाता है कि वो भी इसी तरह तय हुई, और सूरतें भी, और फिर उनके नाम वगैरह भी कई सूरतों के बता दिए गए। तो ये चीज़ें तो इसे आप तौकीफ़ी तरतीब कह सकते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी,
लेकिन बहुत कुछ ऐसा है कि जो बाद में फिर लोगों ने अपनी सहूलत के लिए तय कर लिया उसको। नाज़रीन किराम, यहाँ वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अमान साहब, एक जो बहुत अहम मसला हमारे यहाँ पिछले दिनों हुआ, तो मैं चाहूँगा उसके ऊपर भी आप अपनी जो है ना राय वो ज़रूर दीजिएगा कि बलूचिस्तान के अंदर एक शख्स को मार दिया गया है जेल के अंदर, यानी वो पुलिस की कस्टडी में था, तो थाने के अंदर, तो उसको मार दिया गया। उस पर इल्ज़ाम था कि उसने माज़ल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की है। तो अब वो पुलिस की कस्टडी में है और अभी उस पर केस और ये चीज़ें शुरू नहीं हुई, या अभी स्टार्टिंग पे था मामला, तो उसकी जान ले ली गई है। आप इस पर वजाहत कीजिएगा, ये अमल कैसा है, रियासत को इससे क्या सीखना चाहिए और आम शख्स इस सूरत हाल के अंदर अपना किरदार कैसे अदा करे? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो मसला है, इसे फोकहा ने अपनी कुतुब में, अपनी किताबों में बयान किया है, ठीक, और इस पे एक तरह से आप कह लीजिए इख्तलाफ़ का पहलू सामने आता है। वो ये है कि अगर कोई शख्स इस जुर्म, इस गुनाह का इर्तिकाब करता है, और ये यानी उसकी बदनसीबी है, बदकिस्मती है कि अगर वो ऐसे अल्फाज तोहीन के, गुस्ताखी के अपने मुंह से निकालता है, तो इसके बारे में एक राय जो है वो तो ये है कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल नहीं होती, ठीक, जिसमें अल्लामा इब्ने तैमिया भी हैं और मालिकी फ़िक्ह के जो फुकहा हैं, उलमा, उनकी भी ये राय है। लेकिन जो अहनाफ हैं, उनका नुक्ता नज़र इस हवाले से ये है कि अगर कोई शख्स इसका इर्तिकाब करता है, तो अगर उसको मौका दिया जाएगा कि वो तौबा कर ले, तो अगर वो तौबा कर लेता है और इस तरफ मुतवज्जे होता है कि ये मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ, गलती हुई, तो मैं इस पर माफ़ी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ, तो उसकी तौबा को कबूल कर लिया जाएगा और बाकी फिर उसके मामलाती ज़िंदगी ऐसे ही होंगे जो एक नॉर्मल तरीके से होते हैं। फिर माशरे में, समाज में कोई भी उसको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा, कोई अजियत नहीं देगा, कोई किसी तरीके से भी उसकी जो ज़िंदगी है उसमें रुकावट नहीं खड़ी करेगा। तो एक दूसरा नुक्ता नज़र जो फुकाए अहनाफ का है वो ये नुक्ता नज़र है। अब एक तो ये मसला हो गया, दूसरा मसला ये है कि अगर कोई शख्स ऐसा कह बैठता है, तो शरअन, कानूनन, अखलाकन उसको ये मौका दिया जाना चाहिए कि वो अपनी बात को बयान करे, यानी अपनी सफाई, अपनी सफाई कह लीजिए, या कई दफ़े ऐसे होता है सबकते लिसानी हो जाती है कि इंसान अपने मुंह से कहना कुछ चाहता है और निकल कुछ जाता है। कई दफ़ा हम तकरीर भी करते हैं तो तकरीरों में भी हमसे ऐसा हो जाता है, उलमा से भी हो जाता है, खुतबा से भी हो जाता है, सियासतदानों से भी हो जाता है, हुक्मरानों से भी हो जाता है, इंसान से कभी ऐसी बात मुंह से निकल जाती है वो जो कहना नहीं चाह रहा होता, लेकिन कई दफ़ा वो चीज़ इतनी वायरल हो जाती है कि उसको इसका मौका ही नहीं दिया जाता कि वो उसकी सफाई के बारे में कुछ कहा जाए। तो जब हम फुकहा अहनाफ की बात करते हैं, तो हमें वहाँ पर ये बात मिलती है कि अगर एक शख्स कोई बात कहता है और उस की तावील का 1% भी इम्कान है, तो फिर भी उस पर वो फतवा गुस्ताखी का या तोहिन का नहीं लगाए, यानी 99% बात उसकी गुस्ताखी में जा रही है, नेगेटिव है, लेकिन 1% तावील से वो बात पॉजिटिव होती है, तो फुकाए अहनाफ का कहना ये है कि आप उसको पॉजिटिव ही उसको लें और उस पर वो आप फतवा ना लगाएं। तो लिहाजा एक बात तो ये हो जाती है, यानी दूसरी बात जो मैंने बयान की है कि कई दफ़ा इंसान से गलती इस अंदाज से हो जाती है बोलने में, गुफ्तगू में, तो माशरे को इस हवाले से इतनी अवेयरनेस और इतनी तरबियत और ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वो इन बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझे। और तीसरी बात ये है कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल बन गई और उसको अगर आप थाने में ले आए किसी जगह पर, तो फिर वो एक प्रोटेक्शन में होता है, कानून की प्रोटेक्शन, यानी रियासत के उसमें होता है। जी, रियासत की प्रोटेक्शन में है, थाने में है, ये सारे रियासती इदारे होते हैं, इनका काम ये होता है कि ये उस बंदे को जान के हवाले से प्रोटेक्शन दें, उसकी हिफाजत करें, और फिर जो अदालत का मामला होता है, अदालत फिर उस बात का फ़ैसला आगे लेकर चलती है, आया कि शवाहिद क्या बनते हैं, इसने ऐसा किया,
इरादतन किया, जानबूझ कर किया, इसका माजी कैसा है, ये अपने माजी में इसी तरह ही बोला करता था, इसका रवैया क्या है घर में बाहर इधर उधर, फिर उसकी रोशनी में अदालत कोई फैसला देती है कि भाई इसके खिलाफ क्या सज़ा इसको दी जाए या ना दी जाए, आया कि ये शवाहिद इसके हक़ में हैं या इसके ख़िलाफ़ हैं। तो ये सब कुछ जो एक पूरा प्रोसीजर है जो कानून का होता है उसका चलाया जाना बेहद ज़रूरी है, और ये सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी उलमा की है कि वो लोगों को जो फ़ी नफ्सी ही मसला है उसके बारे में लोगों को आगाह करें और लोगों को बताएं कि असल मसला क्या है, और हमारे उलमा और फुकहा की इसके बारे में आरा क्या है, फतावा क्या है, और वो इस बारे में क्या कहते हैं। तो जब तक हम अपनी आवाम को, अपने लोगों को इस बारे में, इस मसले के बारे में सही तरीके से आगाह नहीं करते, तो फिर जिस तरह वाकयात हमारे यहाँ रूनुमा होते रहते हैं तो ये फिर इसी तरीके से ही रूनुमा होते रहेंगे। और फिर रियासत की जो ज़िम्मेदारी होती है, रियासत आखिरी हद तक इंसान के जो शहरी हैं उनकी जान माल, उनकी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत की ज़िम्मेदारी उठाए, और ज़िम्मेदार वो होती है कि उसको चाहिए कि वो हर शहरी की जान की हिफाजत करे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया मैन साहब। अच्छा, हमारे नाज़रीन की तरफ से भी कुछ सवाल हैं, मैं एक सवाल आपके सामने रखता हूं, उसके बाद फिर हम बिलाल साहब के पास भी कुछ सवाल आते हैं वो भी लेते हैं। अच्छा मैन साहब, एक सवाल हमारे नाज़रीन की तरफ से आया है कि जो पोस्टमार्टम के लिए कब्र कुशाई की जाती है, कोई ऐसा लीगल केस है, तो वो करना ठीक है या नहीं ठीक, और किन किन वजूहात की बुनियाद पे आप कब्र कुशाई कर सकते हैं, और उसमें कितना अरसा यानी कब उसकी फौतगी से लेके, उसके फौत होने से लेके कब तक आप उसकी कब्र कुशाई कर सकते हैं, कब तक नहीं कर सकते। आपकी आखिरी बात से ही बात को मैं शुरू करता हूँ जवाब को, कि इसके लिए कोई मुद्दत मुतय्यन नहीं है कि हम ये कहें कि भाई इतने अरसे तक कब्र कुशाई हो सकती, इतने अरसे तक नहीं हो सकती। आज की जो मेडिकल साइंस है वो इतनी तरक्की कर चुकी है कि अगर कुछ भी मरने वाले जो कब्र में मदफून है, कुछ भी उसके निशानात मौजूद हैं, तो वो उसके डीएनए ले सकते हैं, उससे वो टेस्ट कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि ये बंदा किस तरीके से इसका कत्ल हुआ, आया कि ये जो मौत है गैर तबी मौत है इसकी या तभी इसकी मौत वाकई हुई है। तो लिहाजा एक तो ये बात है कि इसकी कोई मुद्दत का तायुन नहीं किया जा सकता, और दूसरी बात जो आपने कही है वो ये है कि वाज़ बात है कि अगर उसका कुछ पोस्टमार्टम करना है या उसका टेस्ट लेना है तो उसके लिए कोई ना कोई वजह होगी। मिसाल के तौर पर किसी की यकदम मौत वाके हो गई और उसको दफना दिया गया रातों रात, तो उसके जो वरसा हैं वो शुभात पैदा हो गए, उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि पोस्टमार्टम हो ताकि जो कातिल है वो अपने अंजाम तक पहुँचे। तो अब ऐसी बहुत सी वजूहात हैं कि जिसकी बुनियाद पर फिर वो पोस्टमार्टम करते हैं या टेस्ट ले लेते हैं, डीएनए ब्लड ले लिया या कोई हड्डी या कोई बाल या कोई ऐसी चीज़ ले लेते हैं कि जिससे वो उनको मालूम हो जाता है कि भाई ये लाश आया कि इसके साथ क्या बीती, क्या इसके साथ गुजरा। ठीक हो गया जी। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो जाता है एक ब्रेक का, बाकी सवाल आते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बिलाल साहब, आपके पास भी कुछ सवालात होंगे माना साहब के साथ। जी बहुत शुक्रिया सर। मैं पूछना चाहूँगा कि महल्ले में या सोसाइटी में एक मस्जिद मौजूद है और वो मस्जिद इतनी बड़ी है कि सोसाइटी के सारे लोगों के लिए वो काफ़ी है, लेकिन उसके बावजूद एक नई मस्जिद बनाना, क्या इसकी इजाज़त है, या यूँ कह लीजिए कि एक ही सोसाइटी में कितनी मस्जिद बनाई जा सकती हैं। अच्छा, ऐसे मसाइल हमारे जैसे माशरों में होते हैं कि जहाँ पे ऐसा कोई नज़्म व ज़ब्त और डिसिप्लिन नहीं होता, वरना दुनिया में मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक को भी अगर आप सामने रखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहाँ पर बाकायदा एक डिसिप्लिन और एक निज़ाम राइज है इस हवाले से कि वहाँ पर ये नहीं होता कि चंद लोग इकट्ठे हों और वो कहें कि जी हमने यहाँ पर मस्जिद बनानी है। हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटीज़ में, यहाँ तक कि हमारे जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल भी हैं ना, वहाँ पर भी अगर आप देखें तो हर मसलक ने अपनी अपनी मस्जिदें वहाँ पर अलहदा बना रखी होती हैं। ये नहीं होता कि भाई इख्तलाफ की बुनियाद पर, बाकायदा तौर पर वहाँ
ख़ुद मसलक के फ़िरके के आलिम जो हैं वो आते हैं और उनको बकायदा ये कहते हैं कि भाई आप अपनी अलहदा मस्जिद बनाएं क्योंकि हमारी फलाह के पीछे हमारी नमाज नहीं होती। तो मैंने ये देखा है कि हमारे महल्ले हों, सोसाइटीज़ हों, वो सोसाइटीज़ जहाँ पर कोई नज़्म व ज़ब्त नहीं है, तरीक़ाकार नहीं है, वहाँ पर भी लोग हर मसलक का अपनी अपनी मस्जिद तामीर करता है और बनाता है। तो ये तो एक तो मसला ये हमारे यहाँ है जी। बाकी नहीं है पाकिस्तान में वो सोसाइटीज़ जहाँ पर पूरा नज़्म और ज़ब्त सोसाइटी के पास होता है ना, उनके ऑफिस पूरा निज़ाम चलाता है, तो वहाँ पर भी किसी को इस तरह इजाज़त नहीं होती कि वो जहाँ चाहे, जिस जगह चाहे और जिस वक्त चाहे एक नई मस्जिद तामीर कर ले। तो लिहाजा ये सवाल जो आपने बयान किया, एक तो हमारे माशरे का है, हमारे मुल्क का है, ऐसे ही है। और इस पर भी अगर हम उलमा की आरा को पढ़ते हैं ना, फतावा को, तो वो हमें ये बताते हैं कि जहाँ पर ज़रूरत ना हो ना, वहाँ पर मस्जिद नहीं बनानी चाहिए। उन्होंने मकरूह इस बात को लिखा है, यानी अगर एक मस्जिद है जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर रही है, तो जहाँ पर हम जाकर नमाज पढ़ सकते हैं, तो वहाँ पर ही हम लोगों को नमाज पढ़नी चाहिए। और ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए कि हम उस मस्जिद के मुकाबले में दूसरी मस्जिद खड़ी कर दें और उस मस्जिद को वीरान कर दें या उस मस्जिद के नमाजी थोड़े हो जाएं और आधे इधर आ जाएं। तो इस चीज़ को उलमाए किराम ने भी पसंद नहीं किया। जी सर, बहुत शुक्रिया। वैसे अब तो ये भी देखा जाता है कि एक मस्जिद से नमाज़ पढ़ के आ रहे हैं तो दूसरी की अजान शुरू हो जाती है, क्योंकि बाज़ औक़ात वक्त भी आगे पीछे होता है, तो फिर बंदे का दिल करता है उधर भी जाके नमाज अदा कर लें। हम आमतौर पर जब अपने आबाई घर में होते थे तो वो ऐसे ही था, एक मस्जिद दाएं तरफ थी और कुछ फासले से बाएं तरफ एक दूसरी मस्जिद थी। जब दाएं तरफ वाली मस्जिद से नमाज पढ़ के आते थे तो उधर की अजान शुरू हो जाती थी। तो वाले साहब, दो नहीं अब तो तीन तीन चार चार मस्जिदें हैं, एक मोहल्ले में बनी हुई और बहुत कम उनका फासला है आपस में। बिल्कुल सही है सर। ये बताइएगा कि फ़र्ज नमाज की जमात हो रही है तो क्या ऐसा हो सकता है कि जमात के दौरान अगर कोई नमाजी आया है और वो जो सुन्नतें जमात से पहले पढ़नी होती हैं वो शुरू कर दे? आम तौर पे फजर की नमाज में ये देखा जाता है कि जो दो सुन्नतें मौकदा हैं फजर से पहले वाली, वो जमात हो रही होती है लेकिन लोग पहले सुन्नतों को तरजीह देते हैं, इस बारे में वजाहत कीजिएगा। देखिए, जो फजर की नमाज के अलावा बाकी नमाज की जो सुन्नतें हैं, मिसाल के तौर पर जोहर से पहले है जो मौकदा है, असर से पहले हैं या इसी तरह इशा से पहले गैर मुकदा हैं, ये जो है इन पर तो बिल इत्तिफाक ये बात है कि ये नहीं पढ़नी चाहिए। नमाज खड़ी हो गई तो आप नमाज के साथ शामिल हो जाएं, यानी तीन नमाज़ें बन गई ना, जोर, असर और इशा। फजर की नमाज पर इख्तलाफ हमारे यहाँ पाया जाता है। अहनाफ के नज़दीक ये है, उनके अपने दलाइल हैं, उनका कहना ये है कि आप जब आ जाते हैं मस्जिद में और आप देखते हैं कि नमाज खड़ी है लेकिन आप तशाहुद से पहले पहले, सलाम फेरने से पहले पहले आप मिल सकते हैं तो फिर आप सुन्नतें अदा कर लें। लेकिन ये अहनाफ का नुक्ता नज़र है। बाकी जो उलमा और फुकहा का नुक्ता नज़र है और अहले हदीस और सलफ़ी जो मकतब फ़िक्र है उनका नुक्ता नज़र यही है कि आप जैसे नमाज हो रही है खड़ी हुई तो आप सुन्नतें नहीं पढ़ सकते, आप पहले नमाज पढ़िए। अब उसके बाद जैसे आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ लेते हैं तो उसके बाद फिर आप सुन्नतें अदा कर लीजिए, या फिर ये कि सूरज जब तुलू हो जाए तो फिर उसके बाद वो दो सुन्नतें जो उनसी वो फिर आप पढ़ सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने दोनों नुक्ता नज़र बता दी हैं, लेकिन प्रायोरिटी किसको दी जाए, लोग किसको फॉलो करें? अच्छा, अब आपने एक ऐसा सवाल कर दिया है, अच्छा है कि मैं इसकी वजाहत कर दूँ कि जो मेरा दिली कल्बी इत्मीनान है वो दूसरे नुक्ता नज़र पर है। यानी मैं ये समझता हूँ कि जब फ़र्ज़ नमाज हो रही है तो फिर हर सूरत में फ़र्ज़ नमाज में ही शामिल होना चाहिए, क्योंकि तकबीर उला का सवाब और उसका अपनी जगह पर है, और फिर ये है कि फिर वो फ़र्ज़ नमाज है, उसको हर सूरत में फ़ौकियत दी जाए। तो बाकी जो अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हवाले से कोट की जाती हैं तो उस पर हमारे उलमा की एक बहस, एक जरह मौजूद है कि अगर आप उसको पढ़ें तो मेरा ख़्याल है कि आप इसी बात ही के कायल होंगे कि फ़र्ज़ नमाज जब हो रही है तो हमें हर सूरत में फ़र्ज़ ही अदा करनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया सर। मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस के लिए भी और हमारे लिए भी इस बात की वजाहत कीजिए कि नमाज को किस तरह खुशू खुजू के साथ अदा किया जाए, कैसे नमाज को अदा किया जाए कि इंसान ख़यालात से बच सके। देखिए, एक होता है ख़यालात की आमद,
आना, एक होते आवुर्द, ख्यालात को लाना। आमद पर कोई एतराज़ नहीं है, ना खुदा के उसकी पकड़ है। आमद से मुराद खुद ब खुद जो ख्यालात आते हैं उस पर खुदा की तरफ से कोई पकड़ नहीं है। ये जो हम खड़े होकर, अगर कोई नमाज में खड़ा होता है अपना हिसाब किताब रजिस्टर खोल के खड़ा हो जाए, तो ये जो लाने वाला मामला होता है, ये असल इस पर इंसान की गिरफ्त है खुदा की बारगाह में। इंसान है, बहुत कुछ है जो खुद ब खुद आ जाता है, तो फिर इंसान उसको झटक कर फिर नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। कुछ देर के बाद फिर कोई ख्याल आ जाता है, फिर उसको झटक देता है, फिर नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाता है। ये जो तरीका है, ये अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है कि इंसान को दुनिया खींचती है या दुनिया के मामलात अपनी तरफ मुतवज्जे करते हैं, लेकिन बंदा फिर उनसे पीछा छुड़ा कर फिर आता है वापस इस तरफ कि भाई मैं अपने खुदा की बारगाह में खड़ा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि आमद जो है उस पर खुदा की तरफ से कोई पकड़ नहीं है। बस ख्याल इस बात का करना चाहिए कि जानबूझकर इरादतन कोई ख्यालात जहन में नहीं लाने चाहिए कि भाई अब मैं नमाज में खड़ा हूँ, चले मैं उन बातों पर सोच लूँ, गौर कर लूँ, तो ये नहीं करना चाहिए। सर, अगर कोई ऐसी सूरत हो कि नमाज के दौरान चलना पड़े, तो शरीयत हमें कितनी इजाज़त देती है कि नमाज के दौरान हम कितना आगे या पीछे, दाएं बाएं हो सकते हैं? देखिए, इस बारे में फुकहा की ही जो आरा हमारे सामने आती हैं वो यही है कि मस्जिद है तो इंसान एक सफ़ जो होती है उतना इंसान जा सकता है मजबूरी के आलम में, और मस्जिद के हदूद तक ही, यानी अगर कोई ऐसी मजबूरी कोई वजह है तो इंसान चल सकता है। जी सर, ये बताइएगा कि अगर कोई शख्स नमाज के दौरान जानबूझ के हंसता है या फिर कोई ऐसी चीज़ या बात उसे सुनाई देती है जिसकी वजह से वो हंसने पे मजबूर हो जाता है, तो उस सूरत में उसकी नमाज टूट जाएगी या नहीं टूटेगी? और फिर ये भी है कि हंसने से बाज़ फुकहा का ये भी है कि वुज़ू भी टूट जाता है, तो आप इन दोनों चीज़ों की वजाहत कीजिएगा। अच्छा, एक तो ये है कि हंसना किस सतह का है। जी, अगर इस तरह है कि आप ने खुद अपनी हंसी को सुना है, यानी मुस्कुराए नहीं, हंसे हैं, अच्छा ठीक, आवाज़ खुद आप सही ने अपनी आवाज़ को सुना है, फिर तो आपकी नमाज टूटी, फिर आप वुजू नहीं करेंगे। यानी वो चाहे आप आवाज़ खुद सुने, खुद सुने, ठीक। और अगर आप इतनी ऊंची आवाज़ से हंसे हैं, कहका लगाया कि दूसरों ने भी आपकी आवाज़ को सुना है, तो अहनाफ के नज़दीक ये है कि आपकी नमाज भी टूट गई और आपका वुजू भी टूट गया। जी। लेकिन जो दीगर उलमा हैं, फुकहा हैं, उनके नज़दीक ये है कि नमाज तो टूट जाएगी ऊंचा हंसने से, कहका लगाने से, लेकिन आपका वुजू नहीं टूटेगा। ये दीगर जो फुकहा हैं उसमें ये जो मसालिक हैं अहले हदीस और सलफ़ी, उनका नुक्ता नज़र भी यही है कि वुजू नहीं टूटता लेकिन नमाज बहरहाल टूट जाती है। सही सर, हंसने की बात तो हो गई है, ये बताइएगा अगर नमाज के दौरान इंसान को रोना आ जाए, कोई उसका अपना दुख ऐसा है, कोई ज़ाती टेंशन है जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली उसको नमाज के दौरान रोना आ गया, आंसू निकल गए, तो क्या ये सेम उसी पर भी अप्लाई होता है कि वुजू भी टूट जाएगा, नमाज भी टूट जाएगी? नहीं, रोने से ना नमाज टूटती ना वुजू टूटता है। जी। नमाज में जितना भी खुशू खुजू तजर्रो इख्तियार किया जाए वो अल्लाह ताला को पसंद है। पसंद है जी। अमाना साहब, आज के हदीस मुबारक का बयान कीजिएगा। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कैदी को रिहाई दो, भूखे को खाना खिलाओ और बीमारों की इयादत यानी बीमार पुरसी करो। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी मुसलमानों को ताकीद फरमाई, ख़ास तौर पर जब आप मदीना तशरीफ़ लाए थे, वहाँ पर एक माशरा वजूद में आ रहा था और एक माशरती और इज्तिमाई ज़िंदगी के लिए अहकाम उतर रहे थे, तो रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा को ख़ास तौर पर इसकी तलकीन फरमाई थी। ये कैदी को रिहाई दो, इससे मुराद यानी जो ग़ुलाम हैं उनको तुम रिहा करो यानी उनको आज़ाद करो, और भूखों को खाना खिलाओ और बीमारों को की इयादत करो, यानी इस्लामी माशरत और इस्लामी तहज़ीब की जो नुमाया खसूसियात हैं उनमें से ये वो खसूसियात हैं कि जिससे एक माशरे में रहने वाले वालों के बाहमी ताल्लुक और बाहमी नस्बत और बाहमी जो एक हमदर्दी और खैर ख्वाही है, उसका बयान रसूलुल्लाह के इस इरशाद में होता है। नाज़रीन ग्रामी, इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुस्न कलाम और तासीर कलाम अता फ़रमाए, हमारी ज़ुबान की गिरों को खोल दे और सुनने वालों तक खैर का पैगाम पहुँचे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।